खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। जैसे आप हैं, खुश खुश खुश। पति के बिना, पति के बिना, पति के बिना। देखिए बस आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रहने दें। रहने दो, ये माँ बेटे रहने दें तब ना। अस्पताल से अभी लौटा हूं कि माँ आ गई है बेटे के दियो हुए घाव पे जलती हुई लकड़ी रखने। किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बस बस सत्यवती जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, डॉक्टर ने इन्हें तनाव लेने से बिल्कुल मना किया है, अब आप कुछ मत बोलिए। वाह सत्यवती जी, अधेड़ उम्र के अपने बेटे के लिए जो आपने छोटी उम्र की लड़की ढूंढी है और जो मशक्कत की है ढूंढने के लिए, उसके लिए तालियों तो बनती हैं आपके लिए। वाह 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 वा। आपने भी तो की है ना अपनी उम्र से बहुत बड़े आदमी से शादी। और आपकी जिंदगी खुशहाल भी थी, ऐसा आप कहती हैं होगी, लेकिन एक पिता के दिल से पूछिए, पूछिए एक पिता के दिल से कि क्या गुजरती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि दुनिया का कोई भी बाप इस रिश्ते से खुश नहीं होगा, कभी हां नहीं कहेगा। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पता है आपको कोई रिश्ता नहीं आएगा मेरी बच्ची के लिए, क्योंकि मेरी बच्ची पे ठप्पा लग चुका है आपके अधेड़ उम्र के बेटे के नाम का। सुन लीजिए मेरी बात, आप एक बार इस रिश्ते के लिए मेरी 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 ना ना, ना, ना। और कृपया करके आप खुद को विधि में देखना बंद कीजिए कीजिए। विधि सत्यवती रायचंद नहीं है, नहीं है। आपकी तरह पैसों के लालच में आकर अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी नहीं करेगी। कान खोलकर सुन लीजिए। या क्या कह गए हरि प्रसाद जी? आपने मजबूर किया कहने के लिए। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।